Assalamu alaikum friends, and welcome back to my channel Knowledge for Everyone. So friends, I am teaching how to create a thumbnail in easy way and how to earn money by uploading videos. When friends, जब हम लोग वीडियो अपलोड करते हैं तो उसके ऊपर थंबनेल लगाना बहुत ज़रूरी होता है. जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, आप अगर मेरी लास्ट दो थंबनेल वाली वीडियो देखेंगे तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम लोग थंबनेल कैसे क्रिएट कर सकते हैं. लेकिन वो सिर्फ थंबनेल की क्रिएशन थी, अब उसको हम लोग और ज़्यादा बेटर कैसे बना सकते हैं, उसमें फिनिशिंग कैसे ला सकते हैं और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव कैसे बना सकते हैं जिससे हमारे चैनल की ग्रोथ बढ़े, हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ें, हमारे व्यूज़ बढ़ें और हमारे चैनल की ग्रोथ भी बढ़े. तो वैसे आज मैं आपको थंबनेल बनाना सिखाऊंगी और मैंने जो आपको वेबसाइट बताई थी उसी में आपको मैं आज और टूल्स भी सिखाऊंगी और बाय बाय हर क्लास में मैं आपको हर टूल्स सिखाऊंगी. और एक अच्छे चैनल के लिए, एक अच्छी चैनल की ग्रोथ के लिए आपका थंबनेल भी बहुत ही अच्छा और अट्रैक्टिव होना ज़रूरी है. तो इसलिए आज हम लोग चलते हैं थंबनेल की तरफ. लेकिन शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे. तो चलिए शुरू करते हैं. और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है, या मुझे पता है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी. और जब आप कमेंट्स करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लोग मुझे मोटिवेट करते हैं तो मुझे लगता है कि मैं बहुत ही अच्छा काम कर रही हूँ और मैं और ज़्यादा न्यू और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते जाती हूँ. तो ये मैंने पिक्स लेयर खोले, अब हम लोग अपने वीडियो को टॉपिक शुरू करते हैं. एज आप सबको पता है कि हम लोग वर्क करते हैं पिक्स लेयर ई पे, तो हम लोग वो खोलते हैं, शुरू करते हैं. यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक न्यू प्रोजेक्ट लिया हुआ है. मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आप एक प्रोजेक्ट कैसे ले सकते हैं और उसमें मैंने आपको बताया था कि आप ये अरेंज का ऑप्शन कैसे यूज़ कर सकते हैं, एक पिक्चर कैसे यहाँ पे ला सकते हैं अपने लैपटॉप में से भी, अपने कंप्यूटर में से भी और इवन पिक्सलर के अपने स्टॉक में से भी. मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था मार्क्यू सेलेक्ट और मैंने आपको सिखाया था वैंड सेलेक्ट. मैंने आपको साथ में ये भी सिखाया था कि हाउ टू डू कॉपी एंड पेस्ट. मैंने आपको कॉपी पेस्ट का ऑप्शन भी सिखाया था. तो आज के हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे एक न्यू चीज़. फॉर एग्जांपल, अब अगर मैं यहाँ पे एक इमेज लेती हूँ स्टॉक से, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाली इमेज ली, इसको फुल एचडी पे मैंने अप्लाई कर दिया. तो ये मेरी इमेज आ गई है. ये मैंने दूसरे टैब पे, जो दूसरी विंडो में मैं जो न्यू टैब खोला था वो मैं बंद कर दूँगी क्योंकि उस पर नहीं है. ये मेरी इमेज यहाँ पे आई है. अब मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल ये वाला ऑप्शन लूँगी स्विच कलर्स. ये वाला ऑप्शन लेने के बाद मैंने वही वाला कलर लिया जो ऑलरेडी यहाँ पे था. लेकिन अब मैं यहाँ से लूँगी ग्रेडियंट. ग्रेडियंट वाला ऑप्शन बहुत ही प्यारा है. यह वाला ऑप्शन लेने के बाद
उसमें वो बिल्कुल फिनिशिंग से आपके कलर्स की कॉम्बिनेशन शो करता है। अब यहाँ पे आप ये देखें कितना प्यारा ये हाइलाइटेड कलर और वाइट कलर का कॉम्बिनेशन हुआ है। लेकिन यहाँ पे आपको कोई भी लाइन नहीं नज़र आ रही जो कि ड्रॉ करने के बाद ये हुआ था। ये नहीं कि सिर्फ आपके पास ऐसे ही इसी तरह से कॉम्बिनेशन आएगा, आप अभी चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, तो उल्टा आ गया, चाहे तो ऐसे करना, ऐसे आ गया, ऐसे करना। ये देखें आपको जैसे अच्छा लगता है कलर कॉम्बिनेशन आप वैसे कर सकते हैं, ये आपकी अपनी विश पे डिपेंड करता है। अब इसके ऊपर टेक्स्ट लिखना वो भी मैंने आपको सिखाया था, तो आज हम लोग क्रॉपिंग का भी सीख सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको पेन से कैसे लिखते हैं वो सिखाऊंगा। यहाँ पे मैंने जो पेन वाला ऑप्शन था वो मैंने लिया है। अब जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ अट्रैक्टिव, मैं इसका थोड़ा साइज बड़ा कर दूँ, इसका कलर चेंज करना होगा वो इसलिए क्योंकि इसका भी हाईलाइट कलर आ रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपको मेरी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, यहाँ पे ए लिखा हुआ है। तो ये हमने पेन से लिखा है। अब मैं आपको दिखाती हूँ पेंट ब्रश या फिर किसी, आपको जैसे फॉर एग्जांपल खुद ड्रॉ करना है कुछ, ठीक है देखें। अब अगर मुझे इसका कलर चेंज करना है मैं यहाँ से इसका कलर रेड रख सकती हूँ। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका हाथ सही से पेंट ब्रश पे या फिर पेन टूल पे सही नहीं चलता है, तो आप जो है यहाँ से टेक्स्ट का टूल भी यूज़ कर सकते हैं उससे, क्योंकि आपका जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल स्ट्रेट लिखा जाएगा। आप चाहें तो उसमें स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। ये देखें आप, ये देखें यहाँ से आप अपने ब्रश का साइज़ भी बड़ा और छोटा कर सकते हैं। आपको सर्कल में चाहिए, आपको स्क्वायर में चाहिए, आपको पेंट ब्रश का टाइप का चाहिए या आपको डार्क चाहिए, ये देखें आपको ये चाहिए स्नो टाइप का चाहिए, या फिर कौन सी चीज़ें चाहिए, आपको कौन सा साइज़ चाहिए, कौन सी शेप चाहिए ब्रश की, वो आप यहाँ से ले सकते हैं। इसकी सॉफ्टनेस कितनी होगी, इसका साइज़ कितना होगा, इसका स्टेप कितना होगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। फिर उसके बाद में अब नेक्स्ट आती है इसकी ओपेसिटी फुल रखेंगे, अगर बंद कर देंगे तो ये नहीं दिखेगा, जो कुछ भी आप ड्रॉ करेंगे वो आपको नहीं नजर आएगा क्योंकि आपने उसकी ओपेसिटी ज़ीरो कर दिया। फुल पे ज़्यादा अच्छा होगा। हार्ड टिप, इसकी टिप देखें हम, आप हार्ड हो गए, अब अगर मैं इसका ये नहीं साइज भी बड़ा कर सकते हैं, इसकी सॉफ्टनेस फुल करके देखें हम, ये देखें। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई और शेप लेना चाह रही हूँ, मुझे फॉर एग्जांपल ये वाली शेप अच्छी लगती है, मैंने ये वाली शेप ले ली है, इसमें सॉफ्टनेस मैंने कम कर दी है, इसका स्टेप ये देखिए, इसके स्टेप सब ऐसे शो हो गए। आप कहीं पे भी इसको एज डेकोरेशन यूज कर सकते हैं, जैसे कि अब अगर मुझे यहाँ पे एक सर्कल बनाना है, मैं इसका एक सर्कल बना सकती हूँ। ये देखें ये इसका एक ओवल शेप बन गई है, सर्कल भी बना सकते हैं।
अब यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे गलत हो गया, मुझे यहाँ से ये थोड़ा ऊपर से खुला रखना था, मुझे कुछ और बनाना था, तो मैं यहाँ से रेजर टूल ले सकती हूँ, इसको रब कर सकती हूँ। तो ये आपका रब हो गया। फिर उसके बाद में अब मेरे पास अगर लेसर स्लैक मिल रही है तो मैं उस पर क्या करूँगी, तो मैंने ये क्लिक किया, लेसर स्लैक एक ऐसा स्लैक का ऑप्शन है जो आप अपने हाथ से बिल्कुल जैसे आपको कर्व करना है, ये बिल्कुल फ्री होता है कि आप अगर अपना हाथ थोड़ा कर्व कर रहे हैं तो वो कर्व शेप में जो है इसको सेलेक्ट करेगा। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने लेसर सेलेक्ट से इसको सेलेक्ट किया है, अब मैं इस सिलेक्शन को इधर भी लेके आ सकती हूँ और इधर भी वापस लेके आ सकती हूँ। ये मेरी मर्जी पर डिपेंड करता है चॉइस पे कि मैं इसको सही से सेट करके रख सकती हूँ। तो इसके बाद अब ये मैंने कॉपी कर लिया है, अब मैं अरेंज वाला ऑप्शन लूँगी, कंट्रोल वी कर दूँगी। ये देखिए, ये अब जितना मैंने लेसर सेलेक्ट से सेलेक्ट किया था बिल्कुल उतना ही ये पिक्चर पेस्ट हो गई है। ये देखिए, बड़ा करके देख लें, तो मैंने शेप ली थी उतनी क्लियरली आ रही है, बिल्कुल जैसे इसको आना था वैसे ही आई है ये। अब बाकी के ऑप्शंस भी हैं, इसमें क्रॉप का ऑप्शन भी है। ये देखें, अब अगर आपको इतना पार्ट नहीं लेना है इमेज को तो आप वो हटा सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं। तो अगर मुझे चाहिए तो इसलिए मैं क्रॉप नहीं कर रही हूँ। ये लेसर सेलेक्ट का ऑप्शन हम लोगों ने सीख लिया, अरेंज का ऑप्शन सीख लिया, मार्कर सेलेक्ट का सीख लिया, फिर वेंट सेलेक्ट का सीख लिया, साथ में हम लोगों ने कटआउट मास्क सीखा नहीं सीखा। अब मैं ये सिखाऊंगी आपको। अब फॉर एग्जांपल मैं ये देखिए, बाकी पूरी इमेज डिलीट हो गई, बस इतने मैंने स्क्वायर पे क्लिक किया था, ब्लैक का कितना स्क्वायर मैंने ड्रॉ किया था वही स्क्वायर का पीस रह गया है। तो ये होता है कटआउट मास्क। ये देखिए, बस इतनी इमेज रह गई है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अब तक मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कमेंट्स में मुझे बताइएगा, मुझे आपकी मोटिवेशन बहुत अच्छी लगती है, सो कमेंट्स भी कीजिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।